ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत एक ऐसा देश जिसकी ताकत उसके मिसाइल प्रोग्राम से शुरू होती है। ये मिसाइलें सिर्फ आत्मरक्षा नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश है। हाल ही में ईस्टर्न कमांड ने एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसने भारत की सामरिक ताकत को नए आयाम दिए। इसे पूर्वी प्रहार कहा जा रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक घातक एक्सरसाइज की जिसका नाम पूर्वी प्रहार है। ये अभ्यास भारत की सामरिक क्षमता, सटीकता और संयुक्त संचालन कौशल को दिखा रही है। इस एक्सरसाइज का केंद्र बिंदु था रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ घातक है बल्कि हर प्रकार के इलाके में ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इसकी प्रभावशीलता अद्वितीय है। इसके साथ साथ ये दुश्मनों पर सटीक वार करने में सक्षम है। पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने ऑपरेशंस को इस तरह समन्वित किया जिसे हर परिस्थिति में दुश्मनों पर घातक प्रहार किया जा सके, चाहे घने जंगल हो, रेगिस्तान हो या ऊंचे पहाड़। भारत की सेनाओं का हर कदम सटीक था। पूर्वी प्रहार न सिर्फ एक अभ्यास था बल्कि ये संदेश था कि भारत की सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार हैं। उनकी ताकत, सटीकता और समर्पण का स्तर अनमैच्ड है। ये दुनिया के लिए चेतावनी और भारत के लिए गर्व का क्षण है। चलिए जानते हैं रुद्र की कुछ खास बातें। दरअसल रुद्र को बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। देश में निर्मित इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में आगे और पीछे स्पेशल कैमरे लगे होते हैं। ये कैमरे रात दिन खराब मौसम की स्थिति में दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसमें पायलट के हेलमेट के साथ इस पर लगी गन भी घूमती रहती है। ऐसी स्थिति में पायलट को दुश्मन को निशाना बनाना आसान हो जाता है। रुद्र में 20 mm की टारगेट गन के अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं। ये अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों को हवा में मार गिराने की क्षमता रखता है। रुद्र में एक साथ दो पायलट बैठ सकते हैं। ये एक साथ 14 लोगों को ले भी जा सकता है। वैसे इस अभ्यास के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के कई मिलिट्री बेस, सभी एयरबेस और ALG को एक्टिव किया गया है। इस अभ्यास में आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट होविजर तोप और आर्टिलरी गन अपनी ताकत दिखा रही हैं। वायुसेना की सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट के साथ साथ C-130J सुपर हॉर्कुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहा है। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17, अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। नेवी की तरफ से दुनिया के सबसे बेहतरीन लंबी दूरी की टोही विमान P-8I को शामिल किया गया है। खैर, ये था पूर्वी प्रहार का वो वीडियो जो भारत की ताकत का एहसास कराता है। आपका क्या कुछ कहना है इस रुद्र की ताकत को लेकर और इस वीडियो को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।